गोचर के परिवर्तन से किन राशियों को फायदा मिल रहा है? सबसे अधिक लाभ ग्रह गोचर के बदलने से कई राशियों को होगा फायदा, तो कई राशि के जातक को उठाने पड़ सकते हैं नुकसान। दरअसल ग्रह गोचर हर महीने बदलता रहता है। हर महीने सूर्य एक राशि से दूसरे राशि पर जाते हैं, ऐसे में कई राशि के जातकों को फायदा होता है तो कई राशि के जातक को नुकसान भी सहने पड़ते हैं। ऐसे में आपके कौन से राशि हैं, आप अपने राशि के फायदे या नुकसान जानने के लिए खबरों के अंत तक बने रहें। दरअसल पूर्णिया के पंडित दयानाथ मिश्र कहते हैं कि अगले एक महीने 14 मई तक ये सभी राशियां प्रभावित रहेंगी। हालांकि इनमें कई राशि के जातक को फायदा मिलेगा तो कई राशि के जातक को नुकसान भी सहने पड़ सकते हैं। आइए उन्होंने क्या कहा पूरी खबर विस्तार से सुनते हैं। ग्रह गोचर के परिवर्तन से किन राशियों को फायदा मिल रहा है? सबसे अधिक लाभ मेष राशि को मिल रहा है। सूर्य मेष राशि पर प्रवेश कर रहे हैं। आज 13 तारीख है, आज मास का अंतिम दिन है, कल संक्रांति है। सूर्य के अनुसार सूर्य भगवान मेष राशि में प्रवेश करेंगे और मेष राशि पर सूर्य उच्च का हो जाता है, वहाँ पूर्व से गुरु बैठे हुए हैं, इसलिए मेष राशि का समय बहुत उत्तम होगा, बल्कि सर्वोत्तम होगा। रुका हुआ कार्य उसके पूरे होंगे, उसके घर में नवीन कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे, नया सदस्य का प्रादुर्भाव होगा और उसको भ्रमण सुख प्राप्त होगा। सूर्य के मेष राशि में जाने से सूर्य का अपनी सिंह राशि जो है उसको भी लाभ होगा, वृश्चिक राशि वालों को लाभ होगा, कुंभ राशि वालों को और तुला राशि वालों को थोड़ी परेशानी रहेगी, धनु राशि को भी लाभ होगा। बाकी अन्य राशि समान रहे हैं? बाकी सभी राशि समान। जिन्हें नुकसान होगा उनको बचने के लिए क्या कुछ उपाय? शुक्र का स्वामी तुला का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र राशि वाले को तुला का रत्न पहनना चाहिए, हीरा पहनना चाहिए, ओपेल पहनना चाहिए, फिरोजा पहनना चाहिए, जरकन पहनना चाहिए और उसको ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, मीठा वस्तु दान करना चाहिए, लोगों को दही चूड़ा खिलाना चाहिए, इससे उनकी उन्नति। परिचय बता दें। दयानाथ मिश्र पूर्णिया।